दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कारण हो सकता है? देखिए, पिछड़े राज्य तो जो हिंदी पट्टी है वही कहे जाते हैं आमतौर पे, तो हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा बीजेपी है। तो एक जो है एक गेट खुला है कि भाई बीजेपी से जो निकल के जो चाहते हो, अगर आप पिछड़े राज्य को जो विशेष दर्जा दिया जाए तो गैर बीजेपी सरकार बनाएगी, ये नोट फेंका है। अब ये नीतीश कुमार की मांग, हालांकि बिहार की मांग 2013 से रही है, 2013 से बिहार के लिए मांगा जा रहा है कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा भी कि हमने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की, वो तक नहीं मानी, विशेष राज्य का दर्जा क्या देंगे। उसके अलावा देखिए, इससे एक निशाना साधा है नीतीश कुमार जी ने कि कुछ राज्यों के वोटर पे वो निशाना है। उसमें अब समझिए कि आंध्र प्रदेश के लोग भी जो है, आंध्र प्रदेश की सरकार भी, अभी तो नहीं लेकिन पहले से, जब टीडीपी जब उससे वहां सरकार में थी तब भी ये मांग थी कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नया जो नई राजधानी बनाई जानी है अमरावती को, उसके लिए पैकेज मांगा। उसके अलावा झारखंड की लगातार मांग रही है कि झारखंड भी चाहता रहा है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, राजस्थान की भी मांग रही है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो अभी जो है हमारे देश में, इसको समझिए कि 29 राज्य में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है, जिसमें सेवन सिस्टर्स है और उसके अलावा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। तो विशेष राज्य का दर्जा जरूरी इसलिए हो जाता है कि देश में जो विकसित स्टेट हैं उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, और उसकी वजह से चूंकि कहा जाता है कि ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है तो ज़्यादा रेवेन्यू उनको बदले में मिला जाए, दिया जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन क्यों है? ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन ये है कि वो विकसित स्टेट पहले से है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है, वहाँ पर इनकम ज़्यादा है, तो इनकम ज़्यादा है तो वो बताते हैं। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड, इन स्टेट्स में भी अगर और इन्वेस्टमेंट आएगा तो जाहिर है बदलेगी स्थिति। अभी समझिए, एक और लड़ाई चल रही है, अभी कल की ही बात है कि जो अनिल अग्रवाल हैं और वेदांता कंपनी के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, वेदांता जो है अब ताइवान की एक कंपनी के साथ मिलकर के गुजरात में एक नया प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, इसके लिए एमओयू हो गया, साइन हो गया। महाराष्ट्र में इस पे जो है जंग छिड़ी हुई है, और शिवसेना और महाविकास आघाड़ी में जो शामिल तीनों पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने जानबूझ करके उसको गुजरात लेकर के गए बीजेपी के लोग, ये प्रधानमंत्री के कहने पर वहां संयंत्र लगा है और बहुत बड़ा संयंत्र है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 1000 एकड़ में फैला हुआ है, और देश की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी बनेगी जो चिप्स बनाएगी। और अनिल अग्रवाल का मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि इससे जो है लैपटॉप और टैबलेट सस्ते हो जाएंगे, 1 लाख का लैपटॉप जो है वो 40,000 में मिलने लगेगा। तो अब हालांकि ये उत्पादन होने में भी 2 साल का वक्त रहेगा, लेकिन एक एक राजनीति के तौर पर देखिए कि चूंकि गुजरात में चुनाव है तो वहां वेदांता ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, अभी लगा नहीं, अभी तो अनाउंस किया है, अभी एमओयू साइन किया है, अभी बहुत काम होना बाकी, लेकिन इससे बड़ा फायदा गुजरात में बीजेपी को मिल सकता है। रोजगार देने की जो बात करते रहे मोदी, तो रोजगार तो वहां पे आएगा। तो वैसे ही नीतीश कुमार ने जो कहा है उसका मकसद है वोटर्स को आकर्षित करना, कि हमारे जो हिंदी पट्टी के जो वोटर्स कम से कम हैं वो समझे कि बीजेपी के साथ जो है वो डेवलपमेंट या मांग पूरी नहीं हो सकती पिछड़े राज्य के। तो राजस्थान जैसा स्टेट जहां पे 25 के 25 सीटें बीजेपी के पास हैं वो हटे, कांग्रेस को मिले, क्योंकि कांग्रेस वहां सीधा फाइट कर रही है, तो उससे समझिए कि वो कांग्रेस को वहां फायदा होने जा रहा है। कांग्रेस का मतलब होता है गैर बीजेपी दल जो गठबंधन नीतीश कुमार बनाने की तैयारी कर रहे हैं वो। और एक और इसका इनर पार्ट में अगर देखूं तो मैं सोच पा रहा हूं कि ये पिछड़ों को भी एक कहने का, ये पिछड़े राज्य जब बोलते हैं तो उसमें पिछड़े शामिल हो जाते हैं, जो अगड़ा पिछड़ा जो है कास्ट लेवल पे, तो पिछड़ों को भी संबोधित कर रहे हैं कि आप जो है मंदिर के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो बीजेपी के साथ गोलबंद हो जाते हो, बदले में आपको मिला क्या है? बदले में महंगाई मिली आपको, बेरोजगारी मिली आपको, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो समझिए पिछड़ों की सरकार होगी, जिसे बिहार में पिछड़ों की सरकार मानी जाती है। अभी जो है महागठबंधन जो बना है उसके बाद क्या हुआ है बिहार में? बीजेपी एक तरफ, बाकी सारी पार्टियां एक, बाकी सारी पार्टियों का मतलब होता है उसमें जो है पिछड़े उसके नेता है, वो चाहे कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी पार्टियां, चाहे वो ये क्या कहते हैं जेडीयू हो या आरजेडी हो, ये सारी पार्टियों के नेता जो है पिछड़े, और वो पिछड़े मानते हैं कि ये हमारी पार्टी।
तो उसका एक फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है ये एक इसको अगर हम लें कि माना जाए कि ऐसा होगा तो इससे मुझे लगता है फायदा मिलेगा और बीजेपी को नुकसान होगा। राजीव जी, जी बिल्कुल, इससे फायदा किसे होगा और किसे